हमारे देश में लोग फिल्म देखने के काफी शौकीन हैं और इसी शौक की वजह से फिल्में बनाने की प्रक्रिया भी जोरों शोरों से चलती है। यही वजह है कि भारत के नाम ही दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने का रिकॉर्ड है। ये बात जानकर तो आपका सीना गर्व से फूल गया होगा, लेकिन आपको और प्राउड होने का मौका हम आगे भी दे रहे हैं। वैसे तो ये लिस्ट काफी बड़ी है, पर उनमें से 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बॉलीवुड के नाम है उनकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। नंबर 1, शाहरुख खान। दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक और बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान ने भी साल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान ने साल 2013 में अप्रोक्स 220 करोड़ रुपए कमाए थे और बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए थे। नंबर 2, रोबोट 2.0। साल 2017 में आई फिल्म रोबोट 2.0 को बनाने में प्रोड्यूसर के पसीने छूट गए थे। इस फिल्म को बनाने में 300 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा लागत वाली फिल्म है। सबसे महंगी फिल्म होने की वजह से ही इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नंबर 3, आमिर खान। ये रिकॉर्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के नाम है। साल 2014 में रिलीज हुई पीके भारत के बाहर किसी अन्य देश में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इस वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया था। ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। जैसा कि वीडियो में हम आपके लिए एक सवाल लेकर आते हैं, तो देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। 3, 2, 1, 0। नंबर 4, बाहुबली द बिगिनिंग। ये साउथ इंडिया की एक सुपरहिट फिल्म है जिसने देश और विदेश हर जगह भरपूर कमाई की है। लेकिन कमाई के अलावा भी इस फिल्म के पास सबसे बड़ा फिल्म पोस्टर बनाने का खास वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है, जो कि लगभग 50,000 स्क्वायर फीट बड़ा था। नंबर 5, कहो ना प्यार है। 14 जनवरी 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है दुनिया की सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस फिल्म को 92 अवार्ड्स मिल चुके हैं और खास बात यह है कि इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल दोनों की यह पहली फिल्म थी। नंबर 6, कैटरीना कैफ। इस कड़ी में बॉलीवुड की हाई पेड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी शामिल हैं। कैटरीना का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2013 में सबसे ज्यादा फीस लेने के चलते दर्ज हुआ था। कैटरीना ने एक फिल्म के लिए $10 मिलियन से भी ज्यादा फीस वसूली थी। नंबर 7, सोनाक्षी सिन्हा। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भले ही बॉलीवुड में ज्यादा हिट साबित नहीं हुई, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी शामिल है। उन्हें यह अवार्ड 1325 गर्ल के बीच नेल पॉलिश सबसे पहले और सबसे ज्यादा बार लगाने के चलते मिला था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि और रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सके।